नमस्कार दोस्तों, तन्व्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो भारत चारों तरफ से खूबसूरत राज्यों से, सुंदर राज्यों से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिण में एक राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह है उड़पी। उड़पी नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मंदिरों से चारों तरफ मंदिर, बंदरगाह और बीचों, सुंदर बीचों से घिरा हुआ ये उड़पी। आज मैं उड़पी में मालपे बीच करके यहाँ एक जगह है मालपे बीच। कभी आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, मैं वहाँ गया हूँ। तो वहाँ जाके आपको ठहरना कहाँ है, अगर आप होटल में ठहरेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वहाँ होम स्टे बने हुए हैं। जगह जगह होम स्टे बने हुए हैं, सस्ते अच्छे बढ़िया होम स्टे बने हुए हैं। तो आज मैं, हम लोग जहाँ से हैं सरावनी होम स्टे में हम लोग ठहरे हैं, वहां के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सरावनी होम स्टे ये सरकार द्वारा मान्यित होम स्टे है। गृह उद्योग जैसे होते हैं, जैसे उत्तराखंड में भी होम स्टे चल रहे हैं, उसी तरह के होम स्टे ये हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो जो अपनी प्रॉपर्टी में, इन लोगों ने अपने बंगलोज में ये सब बनाए हुए हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। श्रावणी होम स्टे ये इधर का एक बहुत होम स्टे है, उसको आप गेस्ट हाउस या होटल नहीं कह सकते हैं। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में, ये पूरा लैंड इनका है, ये पूरी ज़मीन इनकी है। ये चार पांच भाई लोग हैं और इन्होंने पूरा, ये बंगलो देखो, ये पूरा जगह इनकी है। तो इन्होंने यहाँ पर एक जस्ट लाइक गेस्ट हाउस जैसा बनाया हुआ, गेस्ट हाउस देखो बंगला। तो इसमें एसी रूम है, बहुत अच्छे रूम है, एसी रूम है और बग़ैर एसी रूम है, और आपको सस्ते में और अच्छे रेट में और ये मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको खुद इनके फैमिली वाले आपको खाना बना के देंगे, जो खाना जैसा खाना आपको चाहिए ऐसा खाना ये लोग आपको बना के दे, वेज नॉन वेज और हर चीज़ की फैसिलिटी। और हमने यहाँ चाय पी, चाय तो इतनी अच्छी चाय है, और खाना एकदम हाथ का भर है, होममेड इनकी फैमिलीज बना के देती हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी। और ये सब यहाँ से आपको कहीं अगर जाना है उसके लिए बुकिंग यहीं से आप कर सकते हैं। ये ऊपर भी फ्लोर है, ऊपर पूरे एसी रूम है, यहाँ पर नॉन एसी है, उधर एसी है, और कोई भी यहाँ पर उसका प्रॉब्लम नहीं है, बिजली बिजली का, लाइट का प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास खुद का एक बहुत बड़ा जनरेटर है। ये देखिए जनरेटर है, ये पूरा एसी रूम है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी है, पूरी प्रॉपर्टी इनकी है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगे कि आप किसी अपने फैमिली में, फैमिली ग्रुप में आए हैं, परिवार ग्रुप में आए हैं, ऐसा लगेगा। तो आप इनको ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, इनका नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, और आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आने से पहले सीधे अगर आप मुंबई से भी बुकिंग करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। और पूरा यहाँ का मतलब आपको नेचर से घरेलू, जैसे अपने आज अपनी फैमिली में आए हुए हैं ऐसा आपको लगेगा। और लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, और आपकी बहुत यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, और मतलब आपको एहसास नहीं होगा कि आप कहीं मतलब बाहर किसी और के घर पर। बहुत अच्छी लोकेशन है, अगल बगल में सामने बहुत बड़ा चर्च है, चर्च भी आप घूम सकते हो, उधर बहुत बड़ा चर्च है। तो ये बोर्ड है इनका सोने। यहीं हम लोग रुके हुए हैं, और 2500 रुपये, अभी सीजन है ना, शादियों का सीजन है, तो लोग इधर रहने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको महिलाओं द्वारा बनाए हुए हाथ से वेज नॉन वेज आपके डिमांड अनुसार बढ़िया तरीके से आपको यहीं पर बना के दे दिए जाएंगे, आपको होटल में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, जो यहाँ के जो त्योहार होते हैं, सन होते हैं,
उनकी सब फोटो यहाँ लगाई गई है। और यहाँ ये देखो ना, ये इनके जो मुर्गी हैं, मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों के झगड़े जो होते हैं वो भी यहाँ पर फेमस है। ये लोकेशन है चारों तरफ। ये अगर आपको कहीं जाना हो तो आप यहीं से बुकिंग कर सकते हैं। ये पूरे यहाँ के जो भी देखने लायक लोकेशन है वो इन लोगों ने यहाँ ऑलरेडी लगा के रखे हैं। फ़ोन नंबर दिए हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हो। और ये रूम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। खाली आप रूम दे, पहले सफाई देखिए, क्लीन सफाई देखिए। कहीं भी आपको अगर आप वाइट कपड़े पहन के भी सो जाएंगे तो गंदे नहीं होंगे। ये बेडरूम है एक सिंगल, ये देखिए डबल बेडरूम है। ये टीवी है। और ये देखो भगवान, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे हैं। ये एक दूसरा रूम है, पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और खाना है, होममेड घर में बनाया हुआ खाना है। ये बाथरूम है, देखिए बाथरूम कितना बड़ा है, जितने हमारे मुंबई में रहने के घर हैं। ये बाथरूम है, ठीक है। और क्या दिखाऊं आपको मैं, और ये किचन है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन के लिए अगर आपको आना है तो आप खुद कुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आपको बना के खाना, टेस्टी खाना, यहाँ का जो यहाँ के डिशेज हैं वो सब आपको पके पकाए टाइम से मिल जाएंगे। तो ये जो जगह है ये बहुत ही ये ऑनर है यहाँ के, हमारे दोस्त हैं। थोड़ी सर इधर लाइट में आइए सर जरा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश वर्णा है। दिनेश जी, हम लोग मुंबई से आए हुए हैं। तो उसमें मैं जहाँ भी, मैं एक्चुअली घूमता रहता हूँ। मैं लद्दाख बाय रोड गया, मनाली से लद्दाख गया, गैंगटॉक गया, सिक्किम, दार्जिलिंग, अभी मैं तुम्हारे मैसूर, वृंदावन गार्डन वाले सब घूम के आया हूँ। तो हम लोग घूमते रहते हैं। और हमारे दोस्त ने आपके यहाँ बुकिंग की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, उनके लिए मैंने आपके यहाँ का, आपके परमिशन से शूट करके मैंने डाला हुआ है। और आपका नंबर और आपका पंपलेट का मैं शूट करके इसमें डालूंगा। और हमारा विनती क्या है, कोई भी मेहमान आता है वो भगवान का जैसा है हमारे लिए। जी जी, वो आने के बाद वो कितना पैसा देता है उसका पूरा बेनिफिट उसको मिला। जी जी, ये एक छोटी फैमिली के लिए एक छोटा रूम है, देखिए स्वीट एकदम, ऐसा लगता है हम लोग किसी बहुत बड़े होटल में एंट्री कर रहे हैं। सफाई देखिए, मेरे को सफाई में बहुत मजा आया। ये देखिए अंदर भी बेड है। वो किचन हमेशा की तरह, अगर आप चाहें इधर अंदर बाथरूम है, अगर आप चाहें तो खुद कुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी अच्छा बना के खिला के सब मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, कोई टेंशन नहीं, कुछ करने की टेंशन नहीं है। ये बाथरूम है क्लीन, देख सफाई देखो, ये है वॉश बेसिन, किचन। अगर आपको खुद आप कुकिंग करना है तो नहीं तो हाँ, ये फुल एसी रूम है। ये देखिए ऊपर एसी लगा हुआ है। बेड देखिए कितना क्लीन है, मतलब घर में भी इतना अच्छा, मतलब लगता नहीं कि हम लोग किसी घर पे, किसी के घर में, ऐसा लगता है हम लोग किसी होटल में, बड़े होटल में। और ये गवर्नमेंट अप्रूवल है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया इन लोगों को। तो ये लोग सब जैसे गृह उद्योग होता है ना, जैसे उत्तराखंड में भी अभी जो पुराने घर हैं, तो उत्तराखंड के पुराने घरों को भी एकदम से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनको कि हाँ, वो दिखा मैंने जनरेटर, मैंने जनरेटर तो आपको पहले दिखा दिया। इनकेस कभी लाइट वाइट गई ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एसी की या लाइट की, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खुद का पर्सनल जनरेटर खरीद के रखा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप यहाँ ज़्यादा दिन के लिए स्टे करते हैं तो यहाँ पूरा देखिए, ये नल है, ये सब यहाँ पर आप कपड़े वपड़े धो सकते हैं, कुछ काम कर सकते। नमस्कार। ये लोकल लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, और सबका नेचर और स्वभाव इन लोगों का बहुत अच्छा है। देखो हमारे राजू भाई घूम रहे, हेल्थ बना रहे हैं। राजू भाई नमस्कार, सांता क्रूस नमस्कार। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए एपिसोड, नई कहानी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा,
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।